हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 13 को स्टडी कर रहे थे फेडरल सिस्टम, और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनिटरी फीचर्स हैं उनको। नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी का मींस है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, और उसके लिए क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जबकि जो अदर फेडरेशन हैं, यानी जो अदर फेडरल स्टेट्स हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट करने के लिए, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए जाने हैं तो उसकी जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। लेकिन स्टूडेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए के कंपैरिजन में, या फिर जो अदर जो फेडरल स्टेट्स हैं वर्ल्ड के उनके कंपैरिजन में कम रिजिड है और काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। क्योंकि स्टूडेंट, इसके लिए क्या किया जा सकता है, कई बार तो पार्लियामेंट के द्वारा ही अपनी यूनिलैटरल एक्शन के थ्रू ही, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कुछ प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है, या फिर कुछ प्रोविजंस के लिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसको स्पेशल मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है, और साथ ही हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट भी उसको चाहिए होता है। अगर वो जो मैटर है वो किससे रिलेटेड हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी चेंज को लाने से रिलेटेड हो और उसमें अमेंडमेंट किया जाना हो, तो तब उसमें क्या करना होगा, एक तो पार्लियामेंट के द्वारा उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना होगा, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज में सेपरेटली उसको पास होना होगा स्पेशल मेजोरिटी से, और साथ ही साथ उसके लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनका कंसीडरेशन भी चाहिए होगा, तभी कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया जा सकता है। या फिर ऐसा कोई भी मैटर जो कि स्टेट से रिलेटेड हो, स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उसके लिए भी क्या है, हाफ ऑफ द स्टेट की कंसीडरेशन चाहिए होती है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी भी उसमें चाहिए होती है। तो स्टूडेंट, हमने ये देखा इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम जो वर्ल्ड की जो अदर फेडरल कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा है, जैसे यूएसए है, वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोविज़न है, काफ़ी रिजिड प्रोविज़न है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफरेंट मेथड से उसको अमेंड कर सकते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट अपने यूनिलैटरल एक्शन के थ्रू भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कर सकती है, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 368 जो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को करने की जो पावर दी जाती है वो भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी को बताती है, और ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक फेडरल फीचर को दर्शाता है। इसके बाद स्टूडेंट, जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है, जिसे कि हम राज्यसभा कहते हैं, हमारी राज्यसभा में जो स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। मीन्स स्टूडेंट, जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ से उतने ही ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में जा सकते हैं, और जो मेंबरशिप है राज्यसभा में वो किसी भी स्टेट में वेरी करती है 1 to 31, यानी किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है तो हो सकता है वहाँ से एक मेंबर हो सकता है वहाँ से दो मेंबर हो, और अगर स्टूडेंट किसी की ये क्या है मिनिमम है, और अगर किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, तो यहाँ की जो अगर मेंबरशिप है तो वहाँ पर कितने लोग मैक्सिमम एक स्टेट से जा सकते हैं, 31 लोग, किसी भी 31 पर्सन जो हैं वो वहाँ से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
स्टूडेंट, जबकि जो यूएस है वहाँ पर जो भी क्या होती है, जो भी अपर हाउस होता है वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हर स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाता है, वहाँ का जो अपर हाउस है जो सीनेट है वहाँ पर। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जो हमारा अपर हाउस है, जो हमारी राज्यसभा है, उसके लिए एक बेसिक्स बनाया गया है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर ही ये देखा जाएगा कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ से कम नंबर ऑफ एमपीज आएंगे, और जहाँ से जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से क्या है मोर नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और इसके लिए मेंबरशिप वेरी करती है 1 to 31। स्टूडेंट, जो अमेरिकन सीनेट है वहाँ पर क्या है टोटल 100 मेंबर्स हैं, और जिसमें से कि एक स्टेट से प्रत्येक स्टेट से दो दो मेंबर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है टोटल 50 स्टेट्स हैं। और वहाँ पर बताया गया है कि जो अमेरिकन फेडरेशन है वहाँ पर क्या है जो अपर हाउस है वहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, और वहाँ पर जो 50 स्टेट्स हैं टोटल उनमें से प्रत्येक स्टेट से दो दो मेंबर क्या है अमेरिकन सीनेट के प्रतिनिधि बनते हैं। और स्टूडेंट, ये जिससे कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या है, जिससे कि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वली हो सके। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिटरी फीचर है उसमें राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ग्राउंड दिया गया है वो पॉपुलेशन का ग्राउंड दिया गया है। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है इमरजेंसी प्रोविजंस। स्टूडेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसीज दी गई हैं, जिसमें कि एक है नेशनल इमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 352 इसको स्टडी करते हैं, इसके प्रोविजंस आर्टिकल 352 में दिए गए हैं। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी है वो है स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है उसको, या फिर उसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, जो कि अंडर आर्टिकल 356 इसके प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। और स्टूडेंट, जो थर्ड जो इमरजेंसी का टाइप है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में दिया गया है। स्टूडेंट, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है, और स्टेट्स का सारा कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल हो जाती है, और सेंटर के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, सेंटर का सारा कंट्रोल भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनका सारा कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और स्टूडेंट, इस प्रकार से ये जब क्या है इमरजेंसी का टाइम है उस टाइम पर जो भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी सारी पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो ये दिखाता है कि ये कि इस टाइम पर इमरजेंसी के टाइम पर जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट, इमरजेंसी के कंडीशन में जब इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, और इस प्रकार से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमारे देश में यूनिटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये यूनिटरी में चेंज हो जाता है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के।
और स्टूडेंट जो ये इस प्रकार का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कन्वर्जन है कि फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में जो चेंज हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ये किसी भी ये अदर कंट्रीज़ में ये ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स सारा कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और जो हमारा इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कहा गया है सिंगल सिटीजनशिप। स्टूडेंट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ड्यूअल पॉलिटी हमने एक फेडरल फीचर पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंट्रल में अपनी अलग गवर्नमेंट होती है जिसे नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं और साथ ही क्या है स्टेट में अलग से गवर्नमेंट होती है जिसे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, रीजनल गवर्नमेंट होते हैं रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं और ये दोनों ही अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। लेकिन स्टूडेंट जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल सिटीजनशिप को ही अडॉप्ट किया जाता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप का ही सिस्टम प्रेवलेंट है। और स्टूडेंट जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप है वो कहलाएगी इंडियन सिटीजनशिप और स्टेट के लिए कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है और जो सभी सिटीजन्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियंस हमारे इंडियन टेरिटरी में हमारे इंडियन कंट्री में यहाँ पर जितने भी सिटीज़न हैं ये भले ही किसी भी स्टेट में हों वो क्या होंगे भले ही किसी भी स्टेट में बॉर्न हुए हों कहीं पर भी रहते हों इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमारी पूरी कंट्री में पूरी इंडिया में उनको हर जगह उनको इक्वल राइट्स वो इंजॉय कर सकते हैं, उनको इक्वल राइट्स का बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट कि क्या हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी सिटीज़न इंडिया का कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट में बॉर्न हुआ हो किसी भी स्टेट में रहता हो वो क्या करेगा उन सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए सेम राइट्स होंगे सेम फंडामेंटल राइट्स को वो इंजॉय करेंगे सेम जो फैसिलिटीज़ हैं जो सेम फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंट्री में दी जाएंगी। स्टूडेंट इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो जबकि स्टूडेंट अगर देखा जाए कि जो कुछ अदर फेडरल स्टेट्स हैं जैसे यूएसए है स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो जैसे यूएसए की अगर बात की जाए तो अगर कोई भी यूएसए का अगर सिटीज़न है तो उसको पहले तो यूएसए की सिटीजनशिप लेनी होगी जो कि नेशनल सिटीजनशिप कहलाएगी और उसके बाद उसको जिस स्टेट में रह हो जैसे मान लीजिए कोई कैलिफोर्निया में रहता है कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है तो उसको उस स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी होगी जो कि स्टेट सिटीजनशिप कहलाएगी। स्टूडेंट जो अदर फेडरल स्टेट्स हैं वर्ल्ड के जैसे कि यूएसए है जैसे कि स्विट्जरलैंड है ऑस्ट्रेलिया है इन सब में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारी इंडिया में जो हम लोगों की आइडेंटिटी होती है वो केवल इंडियन सिटीजनशिप के रूप में होती है हमारी कंट्री के रूप में होती है सेपरेट के बेसिस जो सेपरेट स्टेट है यानी किसी भी स्टेट के बेसिस पर हमें कोई सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है। जबकि जो यूएसए है स्विट्जरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या वर्ल्ड के जो अदर फेडरल स्टेट्स हैं वहाँ पर ड्यूअल सिटीजन का प्रोविज़न है जिसमें कि एक तो नेशनल सिटीजनशिप मिलती है जैसे यूएसए का नागरिक है तो वो क्या कहलाएगा यूएस सिटीजन कहलाएगा तो वो उसकी नेशनल सिटीजनशिप कहलाएगी। साथ ही वो सिटीजन जिस स्टेट में रहता होगा यूएसए के तो वहाँ से उसको स्टेट सिटीजनशिप मिलेगी। इस प्रकार से यूएसए में क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है एक है नेशनल सिटीजनशिप और दूसरा है स्टेट
सिटीजनशिप, लेकिन हमारी कंट्री में स्टेट के बेसिस पर अलग से कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है। हमारी कंट्री में केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप है और उसे इंडियन सिटीजनशिप कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है उसमें बताया गया है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी के बारे में। स्टूडेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड बनाया गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखा गया है और उसके बाद जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं उनको रखा गया है। स्टूडेंट, चाहे कोई जो हमारा जितनी भी हमारी जुडिशियल कोर्ट्स हैं, जितनी भी हमारी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, चाहे वो सेंट्रल का लॉ हो या फिर स्टेट का लॉ हो, सभी लॉज इन्फोर्स किए जाते हैं। हमारी जो भी जुडिशियल सिस्टम्स हैं, जो भी जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो हमारे जुडिशियल कोर्ट्स हैं वहाँ पर सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स किया जाता है, साथ ही जो डिफरेंट स्टेट के जो लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट, जबकि जो यूएसए है वहाँ पर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। वहाँ पर क्या होते हैं, जो फेडरल लॉज होते हैं वो फेडरल जुडिशियरी के द्वारा इन्फोर्स कराए जाते हैं, जबकि जो स्टेट लॉज होते हैं वो स्टेट जुडिशियरी के द्वारा इन्फोर्स कराए जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो फेडरल लॉज है इसका मीन्स ये है कि जो सेंट्रल लॉज है उसके लिए क्या है, सेंट्रल जुडिशियरी होती है सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जबकि जो स्टेट लॉज हैं उनके लिए स्टेट लेवल पर जुडिशियरी बनाई जाती है। जबकि स्टूडेंट, इंडिया में ऐसा नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको टॉप में रखा गया है, सबसे ऊपर रखा जाता है, और उसके बाद हमारे जो स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उनको रखा जाता है। और हमारे यहाँ कोई भी जुडिशियल बॉडी है वो सभी सेंटर लॉज को और सभी स्टेट लॉज को इन्फोर्स कराती है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी स्ट्रक्चर को बताता है, यूनिटरी फीचर को बताता है। स्टूडेंट, जो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग सेपरेट पब्लिक सर्विसेज होती हैं। स्टूडेंट, इसी प्रकार से जो इंडिया है, इंडिया में भी सेंट्रल और स्टेट दोनों की ही अपनी सेपरेट पब्लिक सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि स्टेट की अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, सेंट्रल की अलग सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, या सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज होती हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं, जैसे कि IAS, IPS और IFS जो हैं, ये क्या हैं, ये दोनों के लिए ही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ही कॉमन है। और हमारे इंडियन स्टेट में भी सेंटर के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन्स हैं और सेंट्रल लेवल पर भी हैं, स्टेट लेवल पर भी अलग से सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं, जिसमें कि IAS, IPS, IFS आते हैं, जो कि हमारे सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए ही कॉमन होती हैं। और स्टूडेंट, जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, जो कि IAS, IPS और IFS होते हैं, इनको रिक्रूट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनके ऊपर जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। स्टूडेंट, तो ये कहा गया है कि जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट हैं और उसको वॉयलेट करती हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सेंट्रल लेवल में स्टेट लेवल में क्या होंगी, अलग अलग सेपरेट पब्लिक सर्विसेज होंगी।
लेकिन ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें क्या है, जो कंट्रोल होता है, जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है कि इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बताया अभी कि इसके लिए हमारी कंट्री में कैग होते हैं, जिसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स हैं, उन सभी को ऑडिट करते हैं। इनका काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, उनका जो ऑडिट्स का काम होता है, ये कैग के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात की जाए, तो इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और कैग का जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए, ये कैग के अपॉइंटमेंट के लिए या फिर कैग के रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट को किसी भी स्टेट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि जैसा कि हमने देखा कि ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये जो कैग है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रल लेवल पर भी अकाउंट्स का ऑडिट करता है और स्टेट लेवल पर भी ऑडिट करता है। तो इसके लिए कहा गया है कि ये जो कैग है, ये क्या कर रहा है, स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कैग का ऑफिस, क्योंकि इनका कहना है कि स्टेट की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उसके ऑडिट के लिए अलग से एक मशीनरी होनी चाहिए थी और उसका जो कंट्रोल होता वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए था। जबकि स्टूडेंट, ये क्या है, सेंट्रल लेवल पर इसको बनाया गया है और इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि सेंट्रल के अकाउंट्स को ऑडिट करने के साथ साथ जो स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट भी करती है। और कहा गया है कि इससे स्टेट्स की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो स्टेट की जो फाइनेंशियल स्वायत्ता है, जो उनकी क्या है, अपनी इंडिपेंडेंस है, उसको वो रोकता है, ऐसा कहा गया है। और जबकि स्टूडेंट, अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, तो वहाँ पर जो अमेरिकन कंट्रोलर जनरल हैं, वहाँ पर क्या है, अकाउंट ऑफ स्टेट्स के बारे में ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा रिमूवल किया जाएगा और उसके लिए स्टेट की कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और वही कैग स्टेट लेवल पर भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करेगा और सेंट्रल लेवल पर भी जितने अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट इसके द्वारा किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल प्रोविज़न है, उसको अवॉइड करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, इससे स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट होती है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी गवर्नमेंट का है, उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट्स हैं उनको काफ़ी कम पावर दी जाती है, लिमिटेड पावर दी जाती हैं, और साथ ही क्या है, स्टेट के पास कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल भी नहीं होता है। और पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर होती है कि वो चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉज को बना सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए राज्यसभा को एक रिजोल्यूशन पास करना होगा,
कि वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए उपयोगी है ऐसा किया जाना। अगर राज्यसभा ऐसा कहते हुए कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट लिस्ट में जो प्रोविज़न है उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है, अगर राज्यसभा के द्वारा ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जाएगी कि स्टेट लिस्ट के अंदर भी कोई सब्जेक्ट है तो उसको भी लेजिस्लेट कर सकती है, उसमें भी चेंजेस कर सकती है। और स्टूडेंट इससे क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसका वो क्या कर रही है, अपनी जो पावर है वो उसको बढ़ा रही है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, क्योंकि बेसिकली राज्यसभा के एक रिजोल्यूशन के पास करने पर ही क्या हो जाएगा, जो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर था जिसमें कि स्टेट को ऑटोनॉमी थी कि स्टेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है, जबकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर हो जा रही है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो उसको वो कर सकती है, उसमें वो चेंजेस ला सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है और उस सब्जेक्ट में भी चेंजेस कर सकती है स्टूडेंट। जबकि ये क्या है, हमारे इसमें ये जो सिचुएशन है इसमें क्या है, कोई भी इमरजेंसी का प्रोविज़न नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज़ नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखा जाए इस चीज़ में, ये कहा गया है कि जब ये राज्यसभा किसी भी जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, नेशनल इंटरेस्ट का बेसिक बनाकर इस ग्राउंड पर अगर किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चेंज करना चाह रही है तो उस टाइम पर ये ध्यान रखना होगा कि उस टाइम पर क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी ना लगी हो, नॉर्मल सिचुएशन में ही ऐसा किया जा सकता है स्टूडेंट। तो इसमें हमने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को देखा कि पार्लियामेंट क्या होती है, इस चीज़ के लिए एम्पावर है, तो ये क्या है, एक तरीके से हमारी जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है उसको दिखाता है, पार्लियामेंट को पावरफुल दिखाया गया है, इसमें वो क्या कर रही है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी चेंजेस कर सकती है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिटरी फीचर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में बताया गया है स्टूडेंट। जो गवर्नर है जिसको कि हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और जो गवर्नर है वो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तभी तक अपने ऑफिस पर रहता है, तभी तक अपने पद पर रहता है। और स्टूडेंट गवर्नर के बारे में ये कहा जाता है कि गवर्नर क्या है, गवर्नर सेंटर के एक एजेंट की तरह काम करता है और उसको सेंटर के द्वारा भेजा गया है जिससे कि जो भी स्टेट्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, स्टेट्स के जो भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके स्टूडेंट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्या होता है वहाँ पर जो स्टेट्स के जो हेड होते हैं उनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, जबकि स्टूडेंट जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कौन है, गवर्नर है, और उनको जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और स्टूडेंट जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का प्रोविज़न है ये कहा गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस जो गवर्नर का जो फॉर्मेशन है, जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है स्टेट में प्रेसिडेंट के द्वारा, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये कैनेडियन सिस्टम से लिया गया है स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिटरी फीचर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बताया गया है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमारी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे कि क्या कहते हैं ईसी कहते हैं, ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे सेंट्रल लेवल पर और जो स्टेट लेवल पर जो भी लेजिस्लेचर्स हैं उन पर जो भी इलेक्शंस होती हैं उनको कंडक्ट कराती है, और जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और स्टेट के पास इससे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है। और स्टूडेंट अगर क्या है, इसमें अगर जो जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये बॉडी है, अगर इससे कोई भी रिमूवल किया जाना है या कोई भी प्रोविज़न लाना है तो उसको उस प्रोविज़न को प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसमें चेंज किए जा सकते हैं। जबकि स्टूडेंट अगर यूएस फेडरल को देखा जाए तो वहाँ पर जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है, चाहे फेडरल लेवल पर हो यानी सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, दोनों ही लेवल पर सेपरेट मशीनरीज होती हैं इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी को प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि जो हमारे सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो हमारी लोकसभा है, और साथ ही जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें कि आती है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर जो भी इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराया जाता है। तो स्टूडेंट जो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिटरी फीचर है। और अगर स्टूडेंट जब हम पंचायत और म्युनिसिपलिटीज़ या फिर लोकल लेवल के अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी लोकसभा या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्शन का अगर कंडक्शन किया जाता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टूडेंट उसके बाद जो कि हमारा आज का जो लास्ट फेडरल फीचर है, इसमें बताया गया है फेडरल नहीं स्टूडेंट ये क्या है, नॉन फेडरल फीचर है जो कि क्या कहलाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, जिसमें बताया गया है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। स्टूडेंट इसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट का गवर्नर है, अगर कोई भी ऐसा बिल है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है तो उसको गवर्नर इस चीज़ के लिए एम्पावर होता है कि उस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को अपने पास रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और इसमें कहा जाता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें अपनी असेंट दे सकता है या फिर वो चाहे तो अपनी जो असेंट है, जो अपनी स्वीकृति है, वो नहीं दे सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि दूसरी जब उसको क्या है दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो दोबारा भी क्या है वो उस चीज़ में अपनी अस्वीकृति दे सकता है, यानी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता है। इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट के पास होती है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है स्टूडेंट, वो अस्वीकार्य कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को। ठीक है, और इसके लिए प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होती है। ठीक है, जो कि सस्पेंसिव वीटो से अलग होती है, उसके पास सस्पेंसिव वीटो नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होती है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड बिल्स को पास करने के रिगार्डिंग। लेकिन स्टूडेंट जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर क्या है स्टेट्स ऑटोनॉमस होते हैं अपने फील्ड्स में, और वहाँ पर स्टेट से रिलेटेड किसी भी बिल के कंसिडरेशन के लिए उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो वहाँ के जो स्टेट्स हैं यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व किया जाए और उसमें प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन का उसमें वेट किया जाए, ऐसा वहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फील्ड में ऑटोनॉमस हैं। जबकि स्टूडेंट हमने इसमें ये पढ़ा कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो अगर चाहें तो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड किसी भी बिल को जो वहाँ से पास होकर आया है उसको रिज़र्व करके रख सकते हैं और उसको क्या है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिज़र्व कर सकते हैं, और उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी कंसिडरेशन दे सकते हैं और ना चाहें तो नहीं
नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट जवाबदेह नहीं होते हैं, और इस जो स्टेट से रिलेटेड बिल होते हैं उनके लिए प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और मैंने इस लेक्चर में आपको जो सभी यूनिटरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सभी यूनिटरी फीचर्स थे उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।